श्री लोकपालेश्वर महादेव की कथा देवताओं पर दैत्यों के बढ़ते प्रभुत्व और फिर उनकी शिव आराधना द्वारा दैत्यों के संहार से जुड़ी हुई है। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप द्वारा अनेक दैत्यगण पैदा हुए थे। उन्होंने वन पर्वतों में जा आश्रम नष्ट कर संपूर्ण पृथ्वी को उथल पुथल कर दिया। यज्ञ नष्ट हो गए, वेदों की ध्वनि बंद हो गई, पिंड दान देना बंद हो गए और पृथ्वी यज्ञ रहित हो गई। तब लोकपाल भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, आपने पहले भी नमुची, वृषभरवन, हिरण्यकश्यपु, नरकासुर, मुरनामा आदि दैत्यों से हमारी रक्षा की है, कृपा करके इन दैत्यों से भी हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं। दूसरी ओर दैत्य अपना आधिपत्य बढ़ाते जा रहे थे। फिर स्वर्गपुरी में जाकर उन्होंने इंद्र को, दक्षिण दिशा में धर्मराज को, पश्चिम दिशा में जाकर जलराज वरुण को और उत्तर में कुबेर को जीत लिया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को व्याकुल देख उन्हें महाकाल वन जाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि महाकाल वन में जाओ और देवादिदेव महादेव की आराधना करो। यह सुनकर सभी लोकपाल महाकाल वन पहुंच गए, लेकिन वहां भी दैत्यों ने उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। तब नारायण के कहने पर वे भस्म लगाकर घंटा, नुपुर, कपाल आदि धारण कर कपालिक वेश में महाकाल वन पहुंचे, जहां उन्हें एक दिव्य लिंग के दर्शन हुए। पूर्ण श्रद्धा भाव से सभी लोकपाल उस लिंग की स्तुति करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप उस लिंग में से भयंकर ज्वालाएं निकली और जहां जहां दानव थे वहां पहुंचकर उन सब दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। समस्त लोकपालों ने इस लिंग की स्तुति की, इसीलिए इन्हें लोकपालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मान्यता अनुसार यहाँ दर्शन कर लेने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यहाँ दर्शन 12 मास में कभी भी किए जा सकते हैं, लेकिन संक्रांति, सोमवार, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। उज्जैन स्थित श्री लोकपालेश्वर महादेव हर सिद्धि दरवाजे पर स्थित हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।